कांस की क्वीन ऐश्वर्या राय से हुई बड़ी गलती। आखिर रेड कार्पेट का ट्रेंड क्यों तोड़ा ऐश ने? जी हाँ, हर बार कांस फिल्म फेस्टिवल की रौनक बढ़ाने वाली ऐश्वर्या राय से एक बड़ी गलती हुई है। उन्होंने फेस्टिवल के चौथे दिन रेड कलर का गाउन पहनकर रेड कार्पेट के नियमों की अनदेखी की है। ऐसा माना जाता है कि रेड कार्पेट पर सेलिब्रिटीज को लाल रंग की ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं होती, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिना किसी रूल को फॉलो करते हुए रेड कार्पेट के कलर की ही ड्रेस पहनकर वॉक करके सबको चौंका दिया है। ऐश ने ऐसा क्यों किया, इसका सही जवाब तो किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है ऐश्वर्या रेड कार्पेट के ट्रेंड के बारे में भूल गई हो, या फिर अलग दिखने की चाह में ऐश्वर्या ये गलती कर बैठी। हालांकि ऐश्वर्या इस ड्रेस में भी काफी गॉर्जियस लग रही थी। रूबी लगे हुए डायमंड इयररिंग्स भी ऐश्वर्या की लुक्स में चार चांद लगा रहे थे। एक दिन पहले सिंड्रेला गाउन में भी ऐश्वर्या किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। आपको बता दें, पिछले 16 साल से ऐश्वर्या कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रिप्रेजेंट करती रही हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने कभी भी रेड कलर की ड्रेस या गाउन नहीं पहना। ये पहली बार है जब उन्होंने रेड कलर का गाउन पहनकर रेड कार्पेट रूल तोड़े हैं। पिछले साल अपने लिपस्टिक की वजह से ऐश्वर्या को लोगों के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने फ्लॉलेस लुक से सबके मुंह बंद कर दिए हैं। ऐश्वर्या के अलावा दीपिका पादुकोण, श्रुति हसन और सोनम कपूर भी कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने लोगों का दिल लुभाया तो वो थी ऐश्वर्या राय बच्चन। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।